हरियाणा में 5 जुलाई से हड़ताल पर चल रहे लिपिकों और सरकार के बीच बुधवार को हुई तीसरी बैठक भी असफल रही। सरकार ने लिपिकों को एक या दो स्तर की पदोन्नति के बराबर वेतन वृद्धि का ऑफर दिया है, लेकिन लिपिकों ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें 35,400 मूल वेतन यानी ग्रेड पे से कम कुछ मंजूर नहीं है। बुधवार को दो चरणों की बातचीत के बाद जब बात नहीं बनी तो अगले हफ्ते फिर से बैठक के लिए समय निर्धारित किया गया। सरकार व लिपिकों के बीच सहमति न बनने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इंतजार में हैं और हजारों करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित है। लिपिक संघ के पदाधिकारियों और सीएम के ओएसडी जवाहर यादव के बीच बैठक दोपहर करीब 2 बजे सचिवालय में शुरू हुई। 1 घंटे तक वार्ता के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला और दोनों पक्षों ने तब बैठक को विराम दे दिया। 1 घंटे बाद लगभग 4 बजे दोबारा बैठक शुरू हो गई। दोनों दौर की बातचीत में लिपिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने 35,400 मूल वेतन करने के समर्थन में तर्क, न्यायालय के आदेश व अन्य तथ्य प्रस्तुत किए। जवाहर यादव ने लिपिकों को एक ऑफर दिया। इस पर विचार करने के लिए लिपिक एसोसिएशन ने कुछ देर का समय मांगा, लेकिन बाद में लिपिकों ने ऑफर अस्वीकार कर दिया। इसके बाद करीब 5:30 बजे बैठक बेनतीजा समाप्त हो गई। सरकार की ओर से अगले सप्ताह फिर बैठक करने की बात कही गई है। देखिए, पहले ही आज हमारी दूसरी वार्ता थी और आज सरकार में और क्लर्क साथियों में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। इन्होंने अपनी मांगों के लिए तर्क दिए, सरकार क्या कर सकती है उसके लिए सरकार ने तर्क दिया, परंतु दोनों ने मिलकर तय किया कि इस समय जो हरियाणा में बाढ़ की स्थिति चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग को आज स्थगित करते हैं और जल्दी पुनः हम फिर मिलेंगे, कलर को सरकार दोबारा से फिर बात करेंगे। मांगों पर सहमति बनी है सर? ये विषय अभी पब्लिक डोमेन का है ही नहीं। अभी कलर्क भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो बता सके अंदर क्या हुआ, और मैं भी ऐसी स्थिति में नहीं हूँ। जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता तब तक मीडिया को बताने के लिए कुछ नहीं है। आज दोनों पक्षों में बहुत अच्छेपन से लंबी बातचीत हुई, एक एक तथ्यों को समझा है, उसके आधार पर फिर अंत में ये हुआ कि पुनः हम फिर एक बार बैठेंगे और उसके बाद फिर बातचीत करेंगे। बाढ़ के हालातों में कर्टसी से कि ये जिस तरह से स्थगित किया है, क्या क्लर्क वापस काम पे जाएंगे क्योंकि लोगों का काम भी सफर हो रहा है? देखिए, इसके लिए इन्होंने कहा है कि हड़ताल तो ये अपनी जारी रखे हुए हैं, परंतु बाकी हड़ताल में उसमें बाढ़ में जो ये मदद कर सकते हैं वहाँ चीज़ें ठीक करने में, उसमें ये ऑलरेडी मदद कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि ये मदद वो आगे भी जारी रखेंगे। देखो, ऐसा है, अच्छे वातावरण में बातचीत हुई। मैं कर्ण सिंह मोगा, CAWS महासचिव, आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है, आने वाले समय में जल्दी फैसला हो जाएगा। सरकार और हमारी तरफ से तथ्यों पर बात हुई है, विचार विमर्श हुआ है, जल्दी आपको फैसला मिल जाएगा। अभी डिस्कशन हुई है, विचार हमने अपने दोनों साइडों से विचार रखे हैं, तथ्यों पर बात हुई है। सरकार की तरफ से अभी ऑफर नहीं है, हमारी अभी ऑफर 35,400 का ही है। सरकार की तरफ से कोई ऑफर नहीं आया? नहीं, अभी कोई ऑफर नहीं है। अभी जो बैठक में बाढ़ के हालात को देखते हुए सरकार को जहां पे भी जरूरत पड़ेगी, क्लरिकल वर्क वहां पे तैयार है, लेकिन स्ट्राइक के साथ काम करेगा, स्ट्राइक ही रहेगी, लेकिन काम में कहीं भी सरकार से हम पीछे नहीं हटेंगे। जो भी काम सरकार आदेश देगी बाढ़ के क्षेत्र कार्य के लिए, जनहित के लिए हम तैयार हैं। नहीं तो फिर आप अपने स्टेशनों में जाके वापस काम क्यों नहीं शुरू कर देते? जब तक मांग पर कोई विचार विमर्श नहीं हो जाता तब तक स्ट्राइक जारी रहेगी। बात करने के लिए अभी मीटिंग हुई है, आगे टाइम मिलेगा, आगे फिर आएंगे, वार्ता हमसे हम पीछे नहीं हटेंगे। जब आप ऑफिस ज्वाइन नहीं करेंगे तो किस तरीके से बाढ़ ग्रस्त एरिया में आप काम करते हैं? वो फिजिकली काम होता है, वो पी से नहीं होता, प्रेजेंट से नहीं होता। बाढ़ में कार्य करने के लिए फिजिकल बंदे की ड्यूटी होती है, बाढ़ में डूबने से बचाना है, किसी का कोई नुकसान है और नुकसान की भरपाई करनी है, अगर मिट्टी डालनी है, खड्डे भरने हैं तो उसका काम करना है हमने, ना कि वो जब भी सरकार बुलाएगी हम तैयार हैं। जल्दी ही हम अभी 4-5-7 दिन बाद दोबारा से एक बार फिर बैठेंगे। बता दें, लिपिकों की सरकार के साथ अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं।
13 जुलाई को पहली बैठक सीएम के ओएसडी जवाहर यादव के आवास पर हुई थी, दूसरी बैठक 21 जुलाई को हुई, अब तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही। बता दें 21 दिनों से चल रही हड़ताल के कारण सबसे ज्यादा काम राजस्व विभाग में प्रभावित है, जहां लगभग 57,000 रजिस्ट्रियां लंबित हैं। इससे करीब 5,000 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित है, सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। अब देखना ये होगा कि अगले सप्ताह होने वाली बैठक में कोई नतीजा निकलता है या फिर से क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल जारी रहेगी।